हेलो गाइस, व्हाट्सअप। मैं हूँ अशोकन, वेलकम टू माय चैनल। हमेशा की तरह आज भी कुछ इंटरेस्टिंग अलग लेके आए हैं। देखिए, अभी पोलो कोस्टा वर्सेस इसराइल अडिसानिया की फ़ाइट जो है बहुत ही नज़दीक आ रही है, और हम जो फैंस हैं बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ इस इनक्रेडिबल फ़ाइट के लिए वेट कर रहे हैं। तो इस बीच में एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है। देखिए, अभी हाल ही में पोलो कोस्टा जो है इसराइल अडेसान्या का खूब मज़ाक उड़ा रहे थे। ओके, हम लोगों ने ऑनलाइन इंटरव्यू के बारे में डिस्कस की थी जिसमें दोनों फाइटर्स प्रेजेंट थे। बट आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि पोलो कोस्टा जम के इसराइल अडेसान्या की मज़ाक उड़ा रहे हैं, जम के इंसल्ट कर रहे हैं, खूब ट्रोल कर रहे हैं। उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जी, तीन दिन पहले पोलो कोस्टा ने अपने यूट्यूब चैनल में इसराइल अडेसान्या के बेस पर एक ट्रोल वीडियो डाली थी जिसमें वो इसराइल अडेसान्या की जम के मजाक उड़ा रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं। ओके, तो इस वीडियो को आप भी देखिएगा। हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं लिंक को पोलो कोस्टा की यूट्यूब चैनल को, तो आप भी देखिए, आपको भी मज़ा आएगा। जो लेटेस्ट वीडियो है जिसमें टाइटल है पोलो कोस्टा वर्सेस रनर सानिया। पोलो कोस्टा ने अडेसान्या को रनर सानिया कहा है। वाह, क्या क्रिएटिविटी है। और उसमें पोलो कोस्टा की एक्टिंग स्किल्स भी एकदम मस्त है। राइट, तो क्या है स्क्रिप्ट बता देता हूँ, आप देखिए वीडियो में। तो इसमें पोलो कोस्टा खुद एक्ट कर रहे हैं और इसराइल अडेसान्या बने हैं पोलो कोस्टा के कोई टीममेट बने हैं जो लंबे हैं अडेसान्या की तरह। और यही नहीं, बाल में पिंक कलर भी मारा है अडेसान्या की तरह। अडेसान्या की तरह नाच के आता है और फाइट स्टार्ट होता है। फाइट स्टार्ट होता ही अडेसान्या का जो डुप्लीकेट था वो यहाँ वहाँ भागने लग जाता है। आप देखिए, आपको मज़ा आएगा। अभी जब मैं बोल रहा हूँ आपको इतनी इंटेंसिटी फील नहीं होगी, बट अगर आप उस वीडियो को देखेंगे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हंस के पागल हो जाएंगे। और क्या होता है कि अडेसान्या जो है भाग के केज के बाहर कूद जाता है, जो डुप्लीकेट है, ड्यूप है, और पोलो कोस्टा भी बाहर जाते हैं और उसकी खूब पिटाई करते हैं। तो ये ट्रोल वीडियो था। ओके, आप भी देखिए। अभी सवाल ये होता है कि बिगेस्ट क्वेश्चन इज, पोलो कोस्टा ऐसे साइकोलॉजिकल गेम्स क्यों खेल रहे हैं? ओके, सिंपल सी बात है भाई, वो चाहते हैं कि अडेसान्या को अपनी स्ट्रैटेजी से भड़काएं, अडेसान्या को गुस्सा दिलाएं ताकि अडेसान्या अपनी स्ट्रैटेजी को भूल जाएं। वो ये कह रहे हैं कि अडेसान्या से कि जब फाइट होगा तुम भागो मत। ओके, तो इससे अडेसान्या का जो स्ट्रैटेजी हो सकता है उस चेंज हो सकता है। बट एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आजकल पोलो कोस्टा जो भी कर रहे हैं अडेसान्या जवाब नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल ही चुप बैठे हुए हैं। कुछ डायलॉग नहीं, कुछ वीडियो नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और उससे पहले डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक में वीडियो देखिए पोलो कोस्टा के यूट्यूब चैनल में, बहुत मज़ा आएगा। कमेंट कीजिएगा, आपके सपोर्ट बहुत बहुत ज़रूरी है चैनल को आगे जाने में। I see you guys. Bye.